इन मार्च में शिरकत कर रहे हैं, मैं सबसे पहले तो आपको सलाम करता हूं और उसके बाद जो भी पाकिस्तानी आज ये टीवी पे देख रहे हैं, जो आज सबसे पहली मैं बात करना चाहता हूं वो ये कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत हटाई गई थी अप्रैल के अंदर 9-10 अप्रैल को, तो जो पाकिस्तान का बैरून मुल्क से कर्जे लेने का जो रिस्क होती है, यानी अगर आपको बाहर के लोग कर्जे देते हैं, बैंक्स कर्जे देते हैं, तो वो कर्जों की जो रिस्क होती है कि कर्जा वापस नहीं होगा, वो 5% थी। वो 5% थी आज से 7 महीने पहले जब हमारी हुकूमत गिराई गई है। आज अखबारों में आया हुआ है कि जो हमारी रिस्क है, यानी हम कर्जा वापस नहीं कर सकते, वो रिस्क 5% थी, आज वो 64.5% है। यानी 64.5% रिस्क है कि पाकिस्तान अपने कर्जों के ऊपर किस्तें वापस नहीं कर सकता। इसका मतलब, इसके दो मतलब हैं और बड़े, मैं इसलिए इधर से शुरू कर रहा हूं क्योंकि जो हमारी मायशत है, जिस तरह उसका कत्ल हुआ है जब से हम गए हैं पिछले 7 महीने में, मैं चाहता हूं कि ये जरा कौम समझे हुआ क्या है। अगर हमारा डिफॉल्ट रेट, यानी कि हम 5% से 64.5% पे गए हैं, इसका मतलब कि दुनिया ये समझती है कि पाकिस्तान की जो मायशत है वो इतनी कमजोर हो गई है कि वो अब अपने कर्जे वापस नहीं कर सकती, और उनका जो 64.5% का मतलब कि इस ये है अब रिस्क कि अगर आप पाकिस्तान के ऊपर कोई कर्जा देंगे तो 64.5% चांस है कि पाकिस्तान कर्जा वापस नहीं करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सबसे पहले यह हुआ कि अगर हम सोच रहे हैं कि बैरूने मुल्क से कोई सरमायाकारी करेगा पाकिस्तान में, ये जब वो देखते हैं, जब उनके सामने ये रिस्क आती है पाकिस्तान की, तो इसका मतलब कि बैरूने मुल्क लोग आप पाकिस्तान के अंदर सरमाया करते हुए डरेंगे कि अगर इस मुल्क का डिफॉल्ट हो गया, यानी डिफॉल्ट का मतलब है जब मुल्क हाथ खड़े कर देता है कि हम अब कर्जे वापस नहीं कर सकते। और ये याद रखें, ये सारे कर्जे, ये जो दो खानदान पिछले 10 सालों में इन्होंने 4 गुना हमारा कर्जा बढ़ाया था, तो ये जो उनके कर्जों के ऊपर किस्तें हैं वो अगर हम वापस नहीं कर सकते और तो हमारा अगर डिफॉल्ट हो जाता है तो सारी दुनिया पाकिस्तान की फंडिंग बंद कर देती है, और सबसे नुकसान आवाम के लिए कि डिफॉल्ट कर दे तो आपको क्या होगा? सबसे पहले चीज यह होगी कि रुपया मजीद नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, रुपए नीचे गिरना यानी डॉलर के मुकाबले में रुपया और नीचे चला जाएगा, और किधर जाके रुकता है यह अभी कोई नहीं कह सकता क्योंकि डॉलर तो आने नहीं है। लोगों ने, जिन्होंने डॉलर या इन्वेस्टमेंट में आने हैं या कर्जों से लेने हैं, वो सबने रोक देने हैं। और सबसे बड़ी खतरनाक चीज यह है कि जो लोग जब इन्वेस्टमेंट का मतलब, अगर आपने मुल्क में दौलत में इजाफा करना है तो सरमायाकारी चाहिए, फैक्ट्रियां बनाएं, कारखाने बनाएं ताकि लोग उसमें इन्वेस्ट करें, उससे हमारी दौलत में इजाफा हो ताकि हम अपने कर्जों की किस्तें वापस कर सकें, तो इससे वो सब कुछ रुक जाएगा। तो मेरा अब ये सबसे पहला सवाल ये है कि जिन लोगों ने ये साजिश की थी और ये इस मुल्क को ऊपर इन चोरों को मुसल्लत किया था, मेरा सबसे पहले सवाल उन लोगों से है कि कौन है अब जिम्मेदार इसका? हमें तो हमारे ऊपर पूरी प्रोपेगेंडा कैंपेन की गई, वही जो अखबारों में बगल बच्चे बैठे हुए हैं जो सहाफी इनके, उन्होंने तो पूरी कैंपेन की कि मुल्क तबाह हो गया है, महंगाई आसमानों पे चली गई है। तो महंगाई तो वाजे हो गया कि 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई इन पिछले 7 महीने में हुई है। हमारे जो मुल्क में महंगाई थी और आज जब हमारा टाइम था तो वो 15 से 16% थी, आज वो 27 से 28% पे है, तकरीबन दुगनी है। तो जो महंगाई भी बढ़ गई, जो मुल्क में सरमायाकारी थी वो भी नीचे चली गई, जो हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी वो भी नीचे चली गई,
जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी पैसे भेज रहे थे, डॉलर्स भेज रहे थे, रेमिटेंसेस भेज रहे थे, वो भी कम हो गए। जो हमारी टैक्स कलेक्शन थी, यानी जो आमदनी एक मुल्क की होती है टैक्स इकट्ठा करके, वो भी उसके जिस रफ्तार पे हम इकट्ठे कर रहे थे वो नीचे चला गया। और मैं आज आपके सामने पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वे, होती है कि हर साल एक शाया होती है कि मुल्क की मायशत के हालात क्या हैं, तो वो इस गवर्नमेंट ने हमारे जाने के बाद इस मौजूदा गवर्नमेंट ने वो सर्वे शाया किया है। तो मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि उस सर्वे के मुताबिक जो हमने अपने चौथे साल के अंदर प्रेडिक्ट किया था कि कितनी हमारी मुल्क की आम दौलत में इजाफा कितना होगा, वो 4.8% टारगेट था। कितना हमने किया? 6%। यानी जो जिस रफ्तार पे हमारी हुकूमत के दौर में मुल्क की दौलत में इजाफा हुआ, वो हमने सोचा था 4.8 होगा, वो 6% हुआ। हमने अपने टारगेट से बेहतर किया। एक्सपोर्ट्स, जो चीजें हम बेचते हैं बाहर और जिससे डॉलर आते हैं, हमने अंदाजा लगाया था 26 अरब डॉलर होगी। कितनी हमने एक्सपोर्ट की? 32 अरब डॉलर। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड था ये। तो वो टारगेट्स है, उससे भी ऊपर गए। यानी ये मैं वो चीजें बता रहा हूं जिसमें मुल्क की आमदनी में इजाफा होता है, दौलत में इजाफा होता है, लोगों को नौकरियां मिलती हैं। ये वो मैं चीजें आपको मोटी मोटी बता रहा हूं। हमारा जो ज़राअत था, हमने टारगेट किया था कि ज़राअत में जो इजाफा होगा वो 3.5% था, और कितना इजाफा हुआ? 4.4%। कुछ 17 साल के बाद सबसे ज्यादा तेजी से हमारी ज़राअत बढ़ी थी। फिर इंडस्ट्री, जो रोजगार देती है, जो असल में इंडस्ट्री, जब तक इंडस्ट्री मुल्क में बढ़ती नहीं है तो असल में तो मुल्क की दौलत में इजाफा नहीं होता, मुल्क ऊपर नहीं जा सकता। तो हमने टारगेट सेट किया था 6.6%, आखिरी साल की बात कर रहा हूं, और हुआ कितनी इंडस्ट्री कितनी तेजी से बढ़ी? 9.8%, अपने टारगेट से ऊपर गया हम। सर्विसेज सेक्टर, और इसके अंदर आईटी भी मिला लें, तो सर्विसेज में 4.7% टारगेट सेट किया, 6.2% पे हमारे ग्रोथ हुई सर्विसेज में। और आईटी, जो कि मुस्तकबिल है टेक्नोलॉजी, उसमें 26.9% हमारा बढ़ा। यानी जो फ्यूचर पे सबसे जो हमने जोर लगाया कि हमारी आईटी जो फ्यूचर है उसमें रिकॉर्ड इजाफा हुआ। और बिजली की, अच्छा ये समझने की बात है कि जो बिजली है, अगर हम इन्होंने जो हमारे पहले ये जो यही नून लीग की हुकूमत थी, इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं बिजली के, जो कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, चाहे हम बिजली खरीदें या ना खरीदें हमें पैसे देने पड़ते हैं। जो बिजली घर से इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, जो अगर हम जितनी मर्जी अगर हम बिजली कम भी इस्तेमाल करते हैं पैसा पूरा देना पड़ता है। तो उसके लिए हमने क्या कोशिश की कि इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उन्होंने इजाफी बिजली बना दी। हमारे पास इस वक्त जब हमारी हुकूमत आई तो हम वो उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते थे क्योंकि कैपेसिटी नहीं थी। तो हमने कोशिश की कि बिजली की कंजम्पशन बढ़े, इंडस्ट्री को हमने इंसेंटिव्स दिए। तो हमारे दौर में जो बिजली की कंजम्पशन बढ़ी वो 20.9%। तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि मायशत तो हमारी बढ़ रही थी, मुल्क तरक्की कर रहा था, और ये पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वे कह रही है, ये जो इनके दौर में पब्लिश हुई है, तो वो जो हर साल पब्लिश होती है उसके मुताबिक मुल्क तो तरक्की कर रहा था। तो फिर ये जो साजिश के तहत इनको ऊपर बैठाया गया और हमें ये कहा गया कि वो बहुत कोई शहबाज शरीफ कोई जीनियस है, इससे कोई काबिल आदमी कोई नहीं है, इसको ऊपर आके बैठा दिया। और उसके बाद वो जो भागा हुआ था मुल्क से, भागे हुए तो सारे ही थे, तो उसको खास तौर पे लेके आए इसहाक डार को, उसने आके आगे कहा कि मैं मूडीज को ठीक कर दूंगा, उसके बाद वो गुम ही हो गया।
और ये जो आज आपको मैं बता रहा हूं कि अगर इसका मतलब दुनिया पाकिस्तान क्या देख रही है, हम नहीं क्या कैसे कह रहे। मैंने वैसे 6 महीने पहले अपनी कौम को बता दिया था कि जो 30 साल दोनों हुकूमतें मिलकर करते रहे हैं और इनके 30 साल में हिंदुस्तान भी आगे निकला हमारे से, बांग्लादेश भी हमारे से आगे निकला। हम 90 की दिहाई तक पाकिस्तान इन दोनों से आगे था। जब से ये दोनों आए डाकू, ये डाकू खानदान, ये दोनों हमारे से आगे निकल गए, क्योंकि हमारा मुल्क पीछे चला गया, इनकी दौलत में इजाफा हो गया, मुल्क मकरूज हो गया और इनके बाहर शानदार महलात बनने शुरू हो गए। जब से नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बना, वो लंदन के सबसे महंगे इलाके में बड़े इनके पास 4 फ्लैट आ गए और इनके बेटों की बड़ी प्रॉपर्टीज आ गई। तो ये तो अमीर हो गए, कौम मकरूज हो गई। इनको वापस मुसलत किया और मैंने तब कहा कि इनसे नहीं संभाला जाएगा। मैंने एस्टेब्लिशमेंट को समझाया, हैंडलर्स को समझाया कि ये अगर आपने साजिश कामयाब होने दी, ये मुल्क नहीं संभाल सकते। और मैंने जब 6 महीने पहले कहा था कि खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट करता है, यानी कर्जे नहीं वापस कर सकता, तो पाकिस्तान को फिर कौन बेल आउट करेगा। और मैंने तब यह कहा था जब इन्होंने कहा कि इसको गद्दार, मुझे गद्दार कह रहे थे, तब इन्होंने कहा मुझे कि इसके ऊपर गद्दारी के केस बनाओ, कि यह कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट करता है तो जो भी हमें निकालेगा उसमें से वो कीमत मांगेगा, मुफ्त कुछ नहीं होता। वो अमेरिकन कहते हैं देयर इज नो फ्री लंच, कोई मुफ्त में मदद नहीं करेगा। और जो वो कीमत हमारे से मांगेंगे, मैं आज फिर अपनी कौम के सामने कह रहा हूं कि वो हमारा जो सबसे हमारी नेशनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा असासा है, उसके पीछे जाएंगे वो। और ये मैंने 6 महीने पहले कहा था अपनी कौम को। और आज जिधर हम अब खड़े हैं, ये जब से चोर ऊपर बैठे हैं, ये हमें उधर ही लेके जा रहे हैं। लेकिन वो नवाज शरीफ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर दें, क्योंकि उसका तो पैसे बाहर पड़े हुए हैं, वो तो जब मौका मिलता है बाहर भाग जाता है। जब वो प्राइम मिनिस्टर था, उसने 23 निजी दौरे किए लंदन के। मैं प्राइम मिनिस्टर था 3.5 साल, मेरे तो बच्चे बाहर थे, मैं तो एक दफा भी नहीं किया, हालांकि 2 दफा मुझे दावत मिली इंग्लैंड आने की, क्योंकि मैं हमेशा सोचता था कि मैं तब बाहर जाऊं, हमारा मुल्क गरीब है, हम मकरूज हैं, मैं क्यों मुल्क का पैसा खर्च करूं जब तक कि मेरे मुल्क को मेरे दौरे से फायदा नहीं होगा। ये सरकारी खर्चे के ऊपर प्राइवेट दौरे किए इसने लंदन के, 23 दफा ये लंदन गया। जरदारी 50 दफा दुबई गया निजी दौरों पर। और ये लंदन क्या करने जाता था? पैसे वहां हैं, दौलत वहां है, बिजनेस वहां है, बेटों को वहां बसा दिया है, बर्तानिया के वो शहरी बन गए हैं, वो आराम से वहां बैठे हैं। जो जिसके ऊपर करप्शन केस होता है वो वहां भाग जाता है। इसहाक डार बाहर भाग गया, उसके बेटे बाहर हैं। शबाज, ये हमजा जो सलमान शबाज है, इसको जब FIR का केस रमजान शुगर मिल लिया, जो जिसमें मकसूद चपरासी के पास पैसा आ गया था, इसके ऊपर हाथ जाने लगा, ये वापस बाहर भाग गया। बाहर भाग जाते हैं जब इनको खतरा होता है, फिर डील करते हैं, वहां बैठ के डीलिंग करते हैं, फिर डील करके जब इनको पता होता है कि हां जी हमें ग्रीन सिग्नल मिल गया, फिर वापस आ जाते हैं। और वो इसहाक डार सिग्नल लेके वापस आ गया। लेकिन अगर आज भी किसी का ख्याल है कि ये मुल्क के माशी मसले हल कर सकते हैं, तो सवाल तो फिर यह है कि मुल्क को पहले लेके कौन इस स्टेज पे आया, या मुल्क का दिवालिया निकाला किसने? 30 साल तो ये दोनों खानदान बैठे हुए हैं, तो फिर कैसे मुल्क इस स्टेज पे पहुंचा? और मैंने आपको बताया कि हमने एक दिवालिया हुआ पाकिस्तान संभाला 2018 में, और उस पाकिस्तान को उस दिवालिया से निकाल के 2 साल कोरोना के साल गुजरे जो दुनिया में तबाही मची, अपने मुल्क को कोरोना से निकाला। और दुनिया मिसाल देती थी कि जो पाकिस्तान ने कोरोना में जिस तरह अपने मुल्क को संभाला, अपनी मायशत को संभाला, अपने गरीबों को बचाया, वो मिसाल देते हैं कि दुनिया में वो 3 टॉप मुल्क थे जिन्होंने सबसे बेहतरीन तरीके से कोरोना से निकाला। और कोरोना से निकाला ही नहीं, उसके बाद हमने अपनी मायशत उठाई,
जो मैं अभी आपको बता रहा हूं कि 17 साल के बाद मुल्क की ग्रोथ रेट, ये जो 6% ग्रोथ रेट, तीसरे साल में 5.7 और चौथे साल में 6%, ये 17 साल के बाद हुआ। हमारे ज़राअत ने 17 साल के बाद इस तरह की तरक्की की, हमारी इंडस्ट्री ने तक 50 साल में सबसे बेहतरीन हमारी इंडस्ट्री उठ रही थी जब इन्होंने हमारी गवर्नमेंट कराई। तो आज मैं अपने पाकिस्तानियों के सामने ये रखना चाहता हूं कि क्या अभी भी कोई समझता है कि ये लोग जो बार बार या मुसलत किए गए ये मुल्क को मसलों से निकाल सकते हैं? क्या इनके पास अब कोई हल है? जो हमने हल भी निकाले थे वो भी पीछे रह गए हैं। हमने पूरी कोशिश की। हमारा मसला क्या, मैं आप सबके लिए पहले जरा समझा दूं, हमारा मसला ये है कि किस माजी में किसी ने जोर नहीं लगाया कि मुल्क की दौलत में इजाफा किया जाए एक्सपोर्ट्स बढ़ा के। जो भी चाइना की तरक्की हुई, जो एशियन टाइगर्स, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे मुल्क, ये जो तरक्की की है, सब ने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाई। जब दुनिया को माल ज्यादा बेचेंगे तो आमदनी बढ़ेगी, यहां हुआ ही कुछ नहीं। और इनके पिछले नून लीग के 5 साल में वही के वही एक्सपोर्ट्स रह गई, तो दौलत में तो इजाफा ही नहीं हुआ। तो इनका माजी में यही था। तो हमारी कोशिश यह थी कि एक्सपोर्ट्स को, पूरी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को उठाया जाए, पूरे उनकी मदद की जाए, उनको इंसेंटिव्स दिए जाए, उनके लिए सस्ती बिजली दी जाए ताकि अगर वो एक्सपोर्ट करेंगे तो उनकी दौलत में इजाफा होगा। और उसके अलावा हमने वो प्लान बनाए, टूरिज्म पाकिस्तान में ऐसी है कि हमारे बड़े डॉलर्स आ सकते हैं। हमारी बदकिस्मती के 2 साल कोरोना में टूरिज्म ही खत्म हो गई, लेकिन टूरिज्म के ऊपर हमने प्लान बनाए हुए थे। और तीसरी चीज कि जो बैरूने मुल्क पाकिस्तानी है, जो हमारा सबसे बड़ा असासा है, उनको हमने कोशिश की कि वो अपने पैसा पाकिस्तान लेके आए। उसके लिए हमने उनकी मदद की, रेमिटेंसेस जो सबसे तारीखी बड़ी हमारी 30 अरब पे, वो इसलिए बढ़ी कि हमने उनको इंसेंटिव्स दिए, उनके लिए इनाम दिए कि जो ज्यादा पैसा भेजेगा या उनकी अपने बैंकों के थ्रू। और रोशन डिजिटल पाकिस्तान एक नई चीज शुरू की, 5 अरब से उसमें आखिर में पैसा आना शुरू हुआ। हमारे चौथे साल में $5 अरब से ऊपर उसमें आ रहा था और बढ़ता जा रहा था। कोशिश यह थी कि जब तक हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती, हम बैरूने मुल्क पाकिस्तानियों को उनके डॉलर्स पाकिस्तान में लेके आए। मैंने 2 प्रोजेक्ट शुरू किए, एक बंडल आइलैंड कराची में और एक रावी सिटी। बंडल आइलैंड इन्होंने हमें करने नहीं दिया, ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और उन्होंने उधर आते साथ ही $5 अरब आने थे। और जैसे वो पैसा आना था, हमारा जो असल मसला है जो डॉलर कम हो जाते, वो हमने हल कर लेना था। इन्होंने आखिरी मिनट में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देकर कैंसिल कर दिया। और दूसरा जो हमारी कोशिश रावी सिटी की थी, वो बदकिस्मती से 11 महीने स्टे ऑर्डर पे रह गया। पैसे, लोग बाहर से इन्वेस्टर तैयार बैठे हुए थे, वो सब कुछ रुक गया। तो हमारी कोशिश ये थी कि डॉलर गैप जो हमारा है, हमारी इंपोर्ट्स ज्यादा हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स कम हैं, तो उसके बीच में जो गैप है वो हम इन्वेस्टमेंट लेके आए, ये 2 शहर बना के, टूरिज्म करके, और फिर अपने बैरूने मुल्क पाकिस्तानियों को उनको कोशिश इंसेंटिव दें कि वो पैसा अपना भेजें। तो अब मैं जो आखिर में ये माईशत के ऊपर बात, फिर मैं 2 और आपसे बातें करनी है। देखिए, जिधर आज हम खड़े हैं, ये कहते हैं कि जनाब आपको जल्दी क्यों है इलेक्शंस की, इंतजार कर लें साल की, हमें तो कोई मसला नहीं है। तहरीक इंसाफ को तो अल्लाह का फजल है, उसकी कोई खास करम है हमारे पे कि उसने अवाम के दिल हमारी तरफ मोड़ दिए हैं, तो वो तो साल के बाद भी इलेक्शन करें तो इंशाल्लाह, जिस तरह बाय इलेक्शन में स्वीप किया था, हम इलेक्शन भी जीत जाएंगे। लेकिन मुझे जो खतरा आप 6 महीने पहले से मैं कह रहा हूं, हमारे मुल्क को खतरा आज, और ये जो आज 64.5% पे पाकिस्तान की रिस्क हो गई, कि यानी हम अब कर्जे वापस नहीं कर सकेंगे, और उसकी चांस 64.5% पे आ गई। इसका मतलब कि अगर हम अब इस तरफ, जिस तरफ अब निकल गए हैं, पैसा बाहर से अब आना नहीं है, हमारे पास जो आमदनी थी, एक्सपोर्ट्स भी कम होती जा रही है, रेमिटेंसेस भी, जिससे डॉलर आते हैं,
इन्वेस्टमेंट आनी नहीं है, कर्जे भी नहीं आने, इन्वेस्टमेंट भी नहीं आनी। तो अब हम ये क्या करेंगे, आप इनके पास क्या हल है? क्या वो लोगों के पास ये मुल्कों से पैसे मांगते जाएंगे? वो तो ये मांगे हैं, हर मुल्क के पास गया शहबाज शरीफ कि मैं मांगने नहीं आया लेकिन मैं मजबूर हूं, लेकिन वो कितना वो पैसा दे देंगे? असल में तो हमने अपनी माइशत ठीक करनी है, और वो जो ठीक करनी थी वो ठीक हो रही थी, जो मैंने आपको शुरू में बताया, वो अब ये साजिश की वजह से आज पाकिस्तान यहां फंसा हुआ है। दूसरी बात मैंने आज करनी है, जो मैं हमेशा, ये जो तहरीक जिसमें हम सारे मार्च इस्लामाबाद की, वजह इसकी क्या है? हकीकी आजादी। हकीकी आजादी आती है इंसाफ से। जिस मुल्क में इंसाफ होता है वो इंसानों को आजाद कर देती है। इंसाफ, और ये सबको मैं बार बार कहता हूं क्योंकि लोगों ने रूल ऑफ लॉ यानी कानून की हुक्मरानी पाकिस्तान में देखी नहीं, मैंने भी नहीं देखी थी। मैं जब पहली दफा बरतानिया गया तब पहली दफा मुझे पता चला कि इंसाफ और कानून की हुक्मरानी क्या होती है। तो कानून के ऊपर कोई नहीं होता। तो ये जो आज पाकिस्तान के मसले हैं, ये मायशत के भी मसले, ये सारे फंसे हुए एक चीज के ऊपर, इंसाफ के ऊपर, इंसाफ ना होने की वजह से, कानून की हुक्मरानी ना होने की वजह से। लोग गुलाम हैं, एक निजाम के गुलाम बन चुके हैं, क्योंकि कमजोर आजाद नहीं है यहां, और ताकतवर कानून से ऊपर है। तो ये जंगल का कानून है, जंगल के कानून के अंदर खुशहाली नहीं आ सकती। सो ये जो मैं आपको मायशत के बताया है, ये असल में हमारी मुल्क में खुशहाली मायशत तब ठीक होगी जब हम अपने इंसाफ का निजाम ठीक करेंगे। अब मैं आज फिर, और मैं हर रोज अपील करता हूं अपने रिस्पेक्टफुल ऑनरेबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान के, तीन आपके पास केसेस हैं, ये तीनों लैंडमार्क केसेस हैं, ये और ये तीनों केसेस को और कोई तरीका इंसाफ लेने का नहीं सिवाय आपके पास आने का। अरशद शरीफ, पाकिस्तान का नंबर वन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, एक ऐसा सहाफी जिसके जमीर की कोई कीमत नहीं थी, धमकियां दी गई, डराया गया, एफआईआर काटी गई, मुल्क से बाहर भगाया गया और फिर कत्ल किया गया, शहीद किया गया। चीफ जस्टिस साहब, इसके लिए आपके सामने हमारे सारे मेंबर्स पार्लियामेंट सेनेटर्स, इन्होंने आपके सामने पिटिशन रखी है। दूसरा आजम स्वाती, यह भी एक लैंडमार्क केस है कि मुल्क के सेनेटर को एक ट्वीट के ऊपर जिसमें वो तनकीद करता है, जो सारी दुनिया में जिसकी इजाजत है, उस तनकीद के ऊपर उसको उसके पोते और पोतियों के सामने अंदर घुस के घर के उसको सुबह के 3 बजे उनके सामने मारा जाता है, और फिर उसको हवाले किया जाता है उसका, जो आजम स्वाति ने नाम लिया, जो दो नाम लिए फहीम और फैसल, उनको, उनके आदमियों को, जो नंगा करके उसको तशद्दद करते हैं। किधर से इंसाफ मिलेगा? इसलिए आपके पास आए हैं चीफ जस्टिस साहब। और तीसरा मेरा केस है, मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का हेड, वो पाकिस्तानी जो 50 साल से ये कौम जानती है, जिसको उसके ऊपर कात्याना हमला हुआ होता है, पहले से भी मैं कह देता हूं, मुझे पता होता है, मैं उसके ऊपर 2 तकरीरों में आज से 1.5-2 महीने पहले बताता भी हूं कि ये इन्होंने करना है, कि दीनी इंतजाम पसंद ने गुस्से में आके उसको कत्ल कर दिया, ये पूरी साजिश बनी हुई थी। मैं तीन नाम लेता हूं, लेकिन पुलिस, पंजाब पुलिस हमारे नीचे के मेरी FIR रजिस्टर नहीं करती। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR, ये एक शहरी का बुनियादी हक है, मैं आम शहरी की बात कर रहा हूं, लेकिन वो आदमी जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है, अगर उसको वो हक नहीं दिया जा रहा, तो चीफ जस्टिस साहब ये बड़ा हमारे लिए लमाए फिक्र है। ये एक्चुअली रूल ऑफ लॉ ना, इंसाफ ना होने का एक आपके सामने इससे बड़ा क्या मिसाल हो सकती है, कि मेरा ये बुनियादी हक था कि मैं तीन लोग जो मैं समझता हूं इसमें मुलव्वज थे, इनके ऊपर नाम लिखूं, इन्वेस्टिगेशन होगी, हो सकता है ये बेकसूर निकलाएं, मैं गलत हूं,
लेकिन है तो मेरा हक। तो हमारी हुकूमत होते हुए पुलिस ने कहा हम नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ताकतवर लोग हैं। पुलिस हमें क्या कहती है? पुलिस वो कहते जी अगर किसी से मैं मुझे इस ओहदे से उठा दे, किसी और को बैठा के ये करवाए, मैं नहीं कर सकता। वो बहुत ताकतवर लोग हैं। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि ताकतवर के लिए एक कानून, कमजोर के लिए दूसरा। मैं बार बार लोगों को वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इसलिए बताता हूं कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई जब ताकतवर जुर्म करता था उसको नहीं पकड़ते थे, जो कमजोर जुर्म करता था उसको सजा मिलती थी। ये है आज हमारी तबाही का बायस। अगर एक चीज हमारी तबाही का सबब है वो ये है, और ये हम तीन लोग हैं वो तो। और इसलिए चीफ जस्टिस साहब आपकी तरफ हम देख रहे हैं क्योंकि हमें और कहीं उम्मीद नहीं है। और मैं इसके साथ साथ एक और चीज कहना चाहता हूं, इलेक्शन कमीशन ने कंटेम्प्ट हमारे ऊपर किया, मेरे पे, लोगों पे। हम डेढ़ साल गवर्नमेंट में होते हुए कहते जा रहे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर एक एजेंडा पे है। ये ना तो सिर्फ नून लीग के बड़ा करीब है, इसके हैंडलर्स भी इसको कंट्रोल कर रहे हैं और ये हमें टारगेट कर रहा है। आठ इसने हमारे खिलाफ फैसले दिए, आठ दफा हम अदालत में गए, आठ दफा अदालत ने उनको रद्द किया। इसका मतलब इसके फैसले गलत थे। इसके ऊपर इलेक्शन कमिश्नर ये सिकंदर सुल्तान और जो कराची से इलेक्शन कमीशन का मेंबर है, इनके ऊपर हम अदालत में गए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। जो कराची का इलेक्शन कमिश्नर है ये सिंध गवर्नमेंट की तनख्वाहदार है, ये आजाद कैसे है? इसके ऊपर हम मेरे ख्याल में सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में गए हुए हैं। और ये जो सिकंदर सुल्तान है, हमने इसके ऊपर बार बार कहते रहे हैं कि ये आदमी गैर जानबदार नहीं है, और हमें अदालत वापस इसके पास भेज देती है। जब और वो कैसे जज बन सकता है जब मैं कह रहा हूं कि मैं इसको, ये हमें इंसाफ ही नहीं दे रहा, बार बार हमारे खिलाफ फैसले कर रहा है, ये हमारे ऊपर जजमेंट कैसे दे सकता है? आप अगर अदालत में भी जाते हैं तो अगर किसी को जज के ऊपर इतराज है तो वो रिक्यूज कर लेता है। ये बार बार हमारे खिलाफ फैसला देता है, बार बार हम अदालतों में जाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट यह है कि जो हमने इसके ऊपर अदालत में गए हुए हैं तो वो भी तो केस सुन रहे हैं। दो केसेस हैं जिसमें इससे हमें फंसाया हुआ है। एक है फॉरेन फंडिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, हाई कोर्ट ने भी कहा कि हमारे केस के साथ साथ नून लीग और पीपल्स पार्टी के भी फंडिंग केस देखें। उसके बावजूद इस आदमी ने अभी तक उनके केस नहीं खोले, और हमें बार बार एक एक फरोल रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। और मैं फिर दावा करता हूं, जितना आप देखेंगे एक चीज साबित होगी कि सिर्फ तहरीक इंसाफ जो कहते हैं पॉलिटिकल फंड रेजिंग वो करती है, रिकॉर्ड सिर्फ तहरीक इंसाफ के पास है, 40,000 डॉलर बेस हमारे पास है। तो इनसे तो पूछे कि ये पैसे कैसे इकट्ठे करते हैं, इसी में आपको पता चल जाएगा कि ये करप्शन के पैसे से खेलते हैं। ये पहले बड़े बड़े बिजनेसमैन को पैसे बनाने देते हैं या उनके पार्टनर्स होते हैं, फिर उनसे फंडिंग लेते हैं। तो ये तो ये इनकी फंडिंग तो है ही इलीगल, ये बता ही नहीं सकते किधर से पैसा आया। उनका केस ही सुन रहा और हमें उसने लटकाया हुआ है इतने सालों से। तो एक तो फंडिंग केस, और दूसरा तोशाखाना का केस इसने फैसला कर दिया कि जी इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करो। अदालत में तो फिर भी हम चले गए हैं, और मैं गारंटी करता हूं, मैं लिख के देता हूं कि जितना आप देखेंगे इमरान खान, ये साबित होगा कोई गैर कानूनी चीज नहीं की। लेकिन जिन्होंने गैर कानूनी चीज की और नैब में 10 साल से केस है, उनके केस क्यों नहीं सुनता? आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गलानी और नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गलानी ने मदद की इनकी, उन दोनों ने गैर कानूनी तौर पे 4 गाड़ियां निकाली तोशाखाना से। मुझे भी गाड़ी मिली थी। गाड़ी आप नहीं ले सकते तोशाखाना से, वो गैर कानूनी है। उन्होंने 4 महंगी महंगी गाड़ियां ली, नैब में केस पड़ा हुआ है। ये इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं समझा, क्यों नहीं वो केस उठा रहा? देखिए, इलेक्शन कमीशन गैर जानबदार होता है, ये गैर जानबदार नहीं है।
तो प्लीज हमारे केस सुने जो हमने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ किए हुए हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि उससे एक एक इंसाफ के निजाम में हमें इतमाद होगा हम सबको। और आखिर में मैं अपने सारे पाकिस्तानियों से, मैं फिर ये जो ड्रामा हो रहा है सारे मुल्क के सामने कि एक मफरूर सजायाफ्ता झूठा और दूसरी दफा झूठ बोल के भागा हुआ जो लंदन में बैठा हुआ है, मैं ये आज सारी कौम से पूछता हूं कि ये कैसे इस मुल्क के फैसले कर सकता है? कैसे एक कौम इजाजत दे सकती है इस आदमी को कि हमारे फैसले करें? और कौन सा फैसला करें जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी का सबसे अहम फैसला है? और इसका माजी देख लें, इसने आज तक मेरिट का इसका मतलब भी नहीं पता, यह फैसले करता है कि इसके मुफादात के अंदर वो इसके मुफादात को आगे कैसे ले जा सकते हैं, यह फैसले करता है कि इसकी बिजनेस को कैसे गैर कानूनी तौर पर फायदा हो सकता है। एफबीआर में कौन होगा जो इनकी मदद करेगा? पुलिस में कौन होगा जो इनके मुखालिफ के खिलाफ जुल्म करेगा? इनकी कभी पाकिस्तान में मेरिट के ऊपर फैसले नहीं हुए। 1993 के अंदर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर केस हुआ, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने पूछा उस वक्त के आईजी अब्बास खान से कि क्यों पंजाब पुलिस में इतनी करप्शन है। यह 93 की बात है। आईजी अब्बास खान ने कहा कि नवाज शरीफ के दौर के अंदर पंजाब पुलिस के अंदर पैसे लेके पुलिस वालों को भर्ती किया गया है। और फिर उसने कहा कि कई लोगों को भर्ती किया जो मुजरिम थे, जो जुर्म पेशा लोग थे, उनको पुलिस में भर्ती किया गया। यह 93 की बात है। तो इससे हम ये आज उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि यह दयानतदारी से पाकिस्तान की अहम फैसला करेगा? मैं तो आईनी तौर पे तो खैर शहबाज शरीफ वो ही करेगा जो नवाज शरीफ कहेगा, तो आईनी तौर पे तो शहबाज शरीफ कर सकता है, लेकिन क्या इखलाकी तौर पे ये होना चाहिए? देखिए, जमहूरियत डंडे के जोर से नहीं चलती, जमहूरियत बंदूकों के जोर पे नहीं चलती, जमहूरियत इखलाकियात पे चलती है। इसलिए बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर जब वो भारी अक्सरियत से डेविड कैमरॉन जीतता है इलेक्शन, तो वो रेफरेंडम जब हारता है उसको कोई जरूरत नहीं थी इस्तीफा देने की, वो इस्तीफा दे देता है कि जी मेरे पास इखलाकी कुव्वत खत्म हो गई है। तो इखलाकियात के ऊपर, क्योंकि हमने बरतानिया से ली हुई है जमहूरियत, उसकी बुनियाद इखलाकियात के ऊपर रखी हुई है। एक उनका प्राइम मिनिस्टर झूठ बोलते हुए पकड़ा जाता है, वो रिजाइन कर देता है कि मेरी वो इखलाकी, मेरे पास वो ताकत नहीं है हुकूमत करने के लिए। तो यहां एक मफरूर जो पाकिस्तान के 5 मेंबर सुप्रीम कोर्ट ने उसको सजायाफ्ता करवाया, जो झूठ बोल के मुल्क से बाहर भागा है, वो आज हमारा फैसला कर रहा है। क्या ये मुल्क की, ये सिर्फ ये नहीं कि ये मेरिट पे फैसला नहीं करेगा, और मेरिट के ऊपर ही जब इदारों में फैसले होते हैं तब ये इदारे ऊपर आते हैं। मेरिट इदारों को तबाह करना हो, मेरिट खत्म कर दो, तो दुनिया में मेरिट की वजह से इदारे मजबूत होते हैं। तो ये एक तो मेरिट पर नहीं फैसला करेगा, और दूसरी ये सारी कौम का, हमारी इखलाकियात का मजाक उड़ रहा है कि हम और नीचे गिर रहे हैं। पहले चोरों को ऊपर मुसलत कर दिया, चोरों ने अपने केसेस सारे खत्म कर दिए, आहिस्ता आहिस्ता शहबाज शरीफ के 4 गवाह मर गए आते साथ ही, जो 16 अरब FIO के केस में थे। उसके बाद इन्वेस्टिगेटर वो बेचारा डॉक्टर रिजवान भी मर गया, किसी ने पूछा ही नहीं किसी को कि यह क्या हो रहा है कि लोग एकदम आते साथ ही मर गए। वही राणा सनाउल और शहबाज शरीफ ने जो मॉडल टाउन के अंदर दिन दिहाड़े टीवी के ऊपर लोगों की कत्लेआम की, उनको कोई पूछता नहीं है। और फिर यही वो लोग वापस आके केसेस भी अपने खत्म करवाते हैं, हर किस्म का जुल्म करते हैं पाकिस्तान पे, सहाफियों के ऊपर जुल्म करते हैं, इस मुल्क के मीडिया के ऊपर क्लैम डाउन कर देते हैं। और फिर एक ही कोशिश है कि झूठे केसेस करके तो किसी तरह इमरान खान को निकाला जाए। और मैं अभी आपको बता रहा हूं कि नवाज शरीफ सिर्फ जिसको भी यह फैसला करेगा ना कि आर्मी चीफ बनेगा, ये उससे एक चीज मांगेगा। ये मैं, क्योंकि मैं इसको 40 साल से जानता हूं, मैं इसको आपसे नहीं, मैं ये जब जमखाना में
अपने एम्पायर खड़े करके मैच खेलता था, मैं तब से जानता हूं इसको। ये एक चीज मांगेगा कि तुमने किसी ना किसी तरह इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करवाना है, तुमने इसकी पार्टी के ऊपर जोर डालना है और मेरे केसेस खत्म करने। मैं आज अब इसको और कोई फिक्र नहीं है कि ये इसने कोशिश करनी है कि रास्ते से किसी तरह इमरान खान को हटाया जाए, क्योंकि है बड़ा बुजदिल आदमी, इलेक्शन से भाग रहा है, मुल्क को दांव पे रखवाया हुआ है। इलेक्शन के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। ये इलेक्शन इसलिए नहीं करवाया क्योंकि इसे हार जाना है और अपनी सिर्फ अपनी जात के लिए सारा मुल्क आज जिधर खड़ा है और जिस तरफ जा रहा है और जिससे मैंने शुरू की थी आज की तकरीर कि जब एक मुल्क का रिस्क फैक्टर कर्जे वापस करने का, जब वो रिस्क 64.5 पे पहुंच जाए, कोई दुनिया उसको पैसे नहीं देती, उधर कोई इन्वेस्टर नहीं आता उस मुल्क में, उस मुल्क में से बल्कि अपने लोग डॉलर खरीदने शुरू हो जाते हैं क्योंकि उनको खौफ आ जाता है कि इकॉनमी तो आगे नहीं बढ़ेगी, वो मुल्क माशी तौर पर तबाह हो जाता है। और इन्होंने 7 महीने में, मैंने शुरू में आपको बताया कि इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है पाकिस्तान का कि 17 साल के बाद गवर्नमेंट की बेहतरीन परफॉर्मेंस थी, इनका इकोनॉमिक सर्वे, हमारा नहीं, इनका, इनके दौर में जो शाया हुआ इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि ये 17 साल में बेहतरीन परफॉर्मेंस थी और उधर से इन्होंने लाके मुल्क को डिफॉल्ट पे खड़ा कर दिया। और आज ये सिर्फ इससे इलेक्शन जो बचा सकता है वो नहीं करवाना चाहता क्योंकि इसको डर है कि इमरान खान जीत जाएगा और है बड़ा बुजदिल आदमी, करप्ट आदमी होते ही बुजदिल है, इसलिए इसने इलेक्शन नहीं करवाना और इसलिए मुल्क की तकदीर से ये खेल रहा है। और आज आपकी जो हमारी मार्च है, इसका मकसद ही है कि हम इस मुल्क को आजाद करना चाहते हैं इन चोरों से, इंसाफ के जरिए इंसाफ करना चाहते, आजाद करना चाहते हैं। और अगर इंसाफ होता ये सारे आज जेलों में होते, एक किसी कभी भी ना होता कि इस तरह के लोग आज मुल्क की मुस्तकबिल से खेल रहे होते। और इंशाल्लाह हमारी जो ये मार्च है, जब ये पिंडी पहुंचेगी और आवाम आएगी पिंडी में, तो सबको एक पैगाम चला जाएगा कि बाशऊर कौम है ये, अब इन चोरों की गुलामी नहीं करने लगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।